वेलकम बैक, आई एम योर धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। बच्चे आज मैं स्पोकन का इतना बढ़िया टिप्स दे रहा हूँ कि आप अंग्रेजी में एक सेंटेंस लो, उसको तीन चार तरह से बोलो, तब ना बोलना आसान हो जाएगा। एक्चुअली हम लोग क्या करते पता है, एक सेंटेंस लेते हैं और एक ही वाक्य बोलना आता है। एक सेंटेंस लिया, एक ही वाक्य बोला, एक ही वाक्य को बार बार बोला, ऐसे नहीं। आप एक सेंटेंस को कई तरीके से बोल सकते हो, एक वाक्य को कितने तरीके से बोलें, आज मैं आपको वो वीडियो दे रहा हूं जिसमें आप एक सेंटेंस को कई तरीके से बोलेंगे और आपका अंग्रेजी बोलना आसान हो जाएगा और आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाएगी। चलिए देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट वर्ड इज मैं परेशानी में हूं। अगर आपको अंग्रेजी बोलना है मैं परेशानी में हूं, तो कितने तरह से आप बोल सकते हैं, आई एम इन ट्रबल, आई एम इन ट्रबल। दूसरा बोल सकते हैं आई एम इन प्रॉब्लम, मैं परेशानी में हूं, आई एम इन प्रॉब्लम। तीसरा बोल सकते हैं आई एम इन अ ग्रेट फिक्स, आई एम इन अ ग्रेट फिक्स। चौथा बोल सकते हैं आई एम इन हॉट वाटर, आई एम इन हॉट वाटर। आई एम फेड अप, आई एम फेड अप। मैं परेशानी में हूं को आपने बोला आई एम इन ट्रबल, आई एम इन प्रॉब्लम, आई एम इन ग्रेट फिक्स, आई एम इन हॉट वाटर, आई एम फेड अप। तो एक सेंटेंस को आपने पांच तरह से, चार तरह से जब आप बोलोगे तो आपकी स्पीकिंग और स्मार्ट हो जाएगा। इस वर्ड को याद कर लेना है और अपनी छाप दोस्तों में दिखा देनी है। अगला शब्द है खाना स्वादिष्ट है, खाना स्वादिष्ट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फूड इज डेलीशियस, फूड इज डेलीशियस। और क्या बोलेंगे, फूड इज लिप्स मेकिंग, फूड इज लिप्स मेकिंग। खाना स्वादिष्ट है, फूड इज ल्यूसिशियस, फूड इज ल्यूसिशियस, खाना स्वादिष्ट है। फूड इज एपेटाइजिंग, फूड इज एपेटाइजिंग, खाना स्वादिष्ट है। फूड इज माउथ वाटरिंग, फूड इज माउथ वाटरिंग। फूड इज टेस्टी, फूड इज टेस्टी, खाना स्वादिष्ट है। तो आप एक सेंटेंस को कई बार बोल सकते हैं और ये आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर देगा। अगला वर्ड है मेरे होश उड़ गए, मेरे होश उड़ गए। तो मेरे होश उड़ गए बोलना हो तो आप क्या बोलोगे, आई वॉज एस्टोनिस्ट, आई वॉज एस्टोनिस्ट, मेरे होश उड़ गए। आई वॉज शॉक्ड, मेरे होश उड़ गए। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड। आई लॉस्ट माई सेंस, मेरे होश उड़ गए। आई लॉस्ट माई सेंस, आई वॉज एस्टोनिस्ड, आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड, मेरे होश उड़ गए। आपको पूछना है आप कहाँ रहते हो, तो आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, वेयर इज योर रेसिडेंस, वेयर इज योर रेसिडेंस, व्हाट्स योर एड्रेस, व्हाट्स योर एड्रेस, आप कहाँ रहते हैं, व्हाट्स योर एड्रेस, टेल मी द प्लेस वेयर यू लिव, टेल मी द प्लेस वेयर यू लिव, वेयर डू यू ड्वेल अप, Where do you dwell up? Where do you dwell up? आप कहाँ रहते हो? Where do you dwell up? Where do you put up? Where do you put up? Where do you put up? आप कहाँ रहते हो? तो आप कहाँ रहते हो? तो आपने क्या बोला? Where do you live? Where is your residence? What's your address? Tell me the place where you live. Where do you dwell up? Where do you put up? आप कहाँ रहते हो? दुनिया, अगला वर्ड है दुनिया में कोई किसी का नहीं है, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। देयर इज नो ट्रू कंपेनियन इन द वर्ल्ड, देयर इज नो ट्रू कंपेनियन इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई किसी का नहीं है। देयर इज नो ट्रू फ्रेंड इन द वर्ल्ड, देयर इज नो ट्रू फ्रेंड इन द वर्ल्ड। एवरी डे एवरीबॉडी इज सेल्फिश इन द वर्ल्ड, एवरीबॉडी is selfish in the world. Nobody is helpful in the world. Nobody is helpful in the world. दुनिया में कोई किसी का नहीं है. There is no true companion in the world. फटाफट बोलो मेरे साथ, दुनिया में कोई किसी का नहीं है. There is no true companion in the world. There is no true friend in the world. Everybody is selfish in the world. Nobody is helpful in the world. अगला बार देखिए, मैं आइसक्रीम पसंद करता हूँ, मैं आइसक्रीम पसंद करता हूँ। आई लव आइसक्रीम, आई लव आइसक्रीम, आइसक्रीम इज वेरी डियर टू मी।
अगला शब्द है आइसक्रीम इज वेरी डियर टू मी, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है. आइसक्रीम इज माई टेस्ट, आइसक्रीम इज माई टेस्ट. अगला बोल सकते हैं हम आइसक्रीम इज वेरी क्लोज टू मी, आइसक्रीम इज वेरी क्लोज टू मी, मैं आइसक्रीम बहुत पसंद करता हूँ. आइसक्रीम इज वेरी इज माई वीकनेस, आइसक्रीम इज माई वीकनेस, मैं आइसक्रीम पसंद करता हूँ. मेरे साथ बोलो फटाफट, आप आइसक्रीम की जगह कुछ और लगा लो, चिकन लगा लो, मटन लगा लो, और फटाफट बोलो इसको, मैं आइसक्रीम पसंद करता हूँ. आई लव आइसक्रीम, बोलो आई लव आइसक्रीम. आइसक्रीम इज वेरी डियर टू मी, आइसक्रीम इज माई टेस्ट, आइसक्रीम is very close to me, ice cream is my weakness. देखा आपने, ice cream पसंद करता हूँ. एक और देख लो, वह मर गया बोलना हो, बोलो he is no more, he is no more, वह मर गया. He left this world, वो दुनिया छोड़ के चला गया, अर्थात वो मर गया. He is in the heaven, वो स्वर्ग चला गया. He is in the heaven, वह मर गया, कई सारे वर्ड है. He passed away, He passed away, वो गुजर गया. He is in the second world, He is in the second world. मतलब एक sentence को आप कितने तरह से बोल सकते हो, वो मैं सिखा रहा हूं. एक sentence का variety क्या है, वह मर गया बोलना था तो बोलो ना मेरे साथ, He is no more, He left this world, He is in the heaven, He passed away, He is in the second world. एक और देखो, हो गया सो हो गया. अगला देख लो, हो गया सो हो गया. आपको बोलना है हो गया सो हो गया, हो गया सो हो गया. तो हिंदी क्या बोले अंग्रेजी में, डन इज डन, डन इज डन, हो गया सो हो गया, डन इज डन, हो गया सो हो गया. इट वॉज बाउंड टू हैपन, इट वॉज बाउंड टू हैपन, हो गया सो हो गया. इट वॉज बाउंड टू हैपन, हैपेंड इज हैपेंड, हो गया सो हो गया. हैपेंड इज हैपेंड, हो गया सो हो गया. तो जो हो गया सो हो गया सो हो गया. डन इज डन, इट वॉज बाउंड टू हैपन, हैपेंड इज हैपेंड, हो गया सो हो गया. अंतिम देख लें, वह सुंदर है, तो वह सुंदर है, सेज रिच लुकिंग, वह बहुत सुंदर है, सेज रिच लुकिंग. सेज न्यूवाइल, सेज न्यूवाइल, वह बहुत सुंदर है. सेज वेरी ब्यूटिफुल, सेज ब्यूटिफुल, वह सुंदर है. सेज ब्यूटियस, सेज ब्यूटियस, वह सुंदर है. सेज मैचलेस इन ब्यूटी, वो सुंदरता में उसके पैरेलल में कोई नहीं है. सेज मैचलेस इन ब्यूटी, मेरे साथ बोलो ना, वह सुंदर है. सेज रिच ब्यूटी, सेज रिच लुकिंग, सेज नव न्यूवाइल, सेज ब्यूटीफुल, सेज ब्यूटियस, सेज मैचलेस इन ब्यूटी, सेज मैचलेस इन ब्यूटी. आप इस तरह से सारे सेंटेंस को बोलिए. तो देखा आपने, एक एक सेंटेंस आपके लिए तूफानी है, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस, एक सेंटेंस को आप कई तरह से बोल सकते हैं. और यही तो स्पोकन का राज है, जब आप ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस को जब 10 तरह से बोलेंगे तो आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव नहीं होगी क्या? आपकी पर्सनालिटी बेशक इंप्रूव होगी, हमेशा इंप्रूव होगी. जब आप DSL देख रहे हो तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको हर तरह का वीडियोस दूं, चाहे आप SSC की तैयारी करते हो, चाहे UPSC की तैयारी करते हो, चाहे आप किसी की तैयारी करते हो, आपके लिए स्पोकन जरूरी है. और इसके लिए बोलना पड़ेगा, तो मेरे साथ जितने भी वर्ड्स बोला ये सब दोहराते रहिए, बोलते रहिए. और अब तक आपने शेयर नहीं किया तो इसको जल्दी से पूरे भारत में फैलाइए, हर बच्चों को दीजिए. और पूरा का पूरा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपकी शिकायत रहती है कि आपका नोटिफिकेशन नहीं मिलता आपको, तो बेल आइकन दबाओगे तब तो मिलेगा, और सब्सक्राइब भी करना होता है तभी तो पहुंचेगा. इस तरह से आप करें. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में.